हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं? 12.2। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फॉर्मूला अपना वही लगेगा, हेरोंस फॉर्मूला। तो अब क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। ए पार्क इज इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक पार्क है जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल की शेप में है। ठीक है, किस शेप में है? वो क्वाड्रिलेटरल की शेप में है। चलो मैं बना देता हूँ एक क्वाड्रिलेटरल। ये तो कुछ और ही बना रहा है। चलो तो मैं ये मैं क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल है, तो कुछ ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, अपनी मर्जी से कैसे बना सकते हैं। चलो तो देखते हैं फिर। इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया ए बी सी और डी। सी को मैंने यहाँ क्यों दिया? क्योंकि क्वेश्चन में आगे वो लग गया है एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल जो है अपना, वो है अपना 90 डिग्री। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 9, तो ये 9 है, 9 मीटर। ठीक है, बी सी है अपना 12 मीटर, लिख दिया मैंने 12 मीटर। सी डी अपना 5 मीटर, तो यहाँ 5 लिख दिया मैंने 5 मीटर। और ए डी है अपना 8 मीटर, तो ये है अपना 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? तो इसका एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, और अपने को 4 साइड्स की बने, तो अब क्या करेंगे इसमें? अपने को 4 साइड्स की बने, तो सबसे पहले अपन करेंगे यहाँ बीच में एक इसका डायगोनल बना देंगे। अब डायगोनल बनते ही अपने को पता है दो वो बन गए यहाँ पे, एक तो ये अपना क्या बन गया, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल बन गया। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर अपन निकाल के ऐड कर दे, तो अपना टोटल ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया अपना आ जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले अपने को ये डायगोनल भी तो पता होना चाहिए। ये जो अपना बी डी है, ये किस लेंथ का है, इसकी लेंथ भी तो पता होनी चाहिए। तो ये देखो, ये जो अपना ट्रायंगल है बी सी डी, इस वाल ये वाला ट्रायंगल 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 5, तो अपना बेस स्क्वायर, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो गया अपना हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये है अपनी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ बेस, बेस का मतलब 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मतलब है ये 12 का स्क्वायर। तो ये आया अपना हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144। तो ये आ गया हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का ऐड किया तो 169। ये जो स्क्वायर है राइट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट में जाएगा, तो 169 किसका रूट, किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो ये जो 13 मीटर आ चुकी है अपनी ये बी डी। तो बस अपने को देखो, सबसे पहले अपन ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ए बी डी का ट्रायंगल ए बी डी, इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर के लिए 8, 13, 9, तीनों को ऐड किया, 8 प्लस 13 प्लस 9 और डिवाइड बाई 2, तो ये कितना होगा, 13 और 8 कितना होता है 21, और ये 9 हो गया 30, 30 को 2 से डिवाइड किया तो मतलब 15 आ गया अपना सेमी पेरीमीटर। तो एक साइड तो है 8, एक है 9 और एक है 13। ठीक है, चलो तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, हेरोंस फॉर्मूला लगाते हैं अपन। यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, बड़ा जाने वाला है ये क्वेश्चन थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि दो बार एरिया निकालना पड़ेगा ना, इसलिए। तो मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल नेम लिख देता हूँ ए बी डी, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस अपना 15, फिर 15 में से क्या क्या माइनस करना है, एक बार 8, एक बार 9 और एक बार 13, क्योंकि
क्योंकि एस माइनस ए फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है चलो सोल्व कर लेते हैं। तो ये आया अपना 15 मल्टीप्लाई 15 में से 8 माइनस किया तो 7 इंटू 15 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 इंटू 15 में से 13 माइनस किया तो 2। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करके कर लेना क्या, 3 5 जब 15 और 5 1 जब 5, तो ये आएगा 3 इंटू 5, 7 का तो होगा ही नहीं, 7 का 7 ही रहेगा, 6 का होगा 2 3 जा और ये 2 तो 2 ही रहेगा। ठीक है अब जो 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 पेयर बन गया वो ले लेते हैं, तो देखो 3 का पेयर बन चुका है तो बाहर आ गया अपना 1 3, और इस 2 का पेयर बन चुका है 2 भी बाहर आ गया। ठीक है तो अंदर क्या बच गया, ये रूट में 5 4 7 बच गया, 5 7 35, इनका पेयर नहीं बना। तो ठीक है तो इसका आंसर आया 6√35 मीटर स्क्वायर। कौन से का एरिया आया, ये फर्स्ट वाले इस वाले ट्रायंगल। ठीक है अब बात करते हैं अपन ट्रायंगल BCD, BCD इसका जो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो 12 5 और 13, तो 12 + 5 + 13 डिवाइड बाई 2, 12 5 हो गया 17 और ये 3 20 30 हो गया, ये भी दोनों का ऐड 30 आ रहा है। हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं फिर, तो इसका सेमी पेरीमीटर भी अपना आया 50। ठीक है ओके तो अब इसका एरिया निकालेंगे तो वही ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाओ, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस है अपना 15, फिर है एस माइनस ए, 15 में से ये 13 माइनस कर देते हैं और 12 माइनस करेंगे 5 है ना, तो ये 15 माइनस 12 15 माइनस 5। ठीक है चलो तो ये आया अपना 15, ये मल्टीप्लाई में आएगा 2, मल्टीप्लाई 15 में 12 है तो 3, मल्टीप्लाई 15 में 5 है तो 10। सबके प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं, ठीक है तो प्राइम फैक्टर करो सबके, ये इक्वल टू, तो जो ये 15 है इसका तो हो जाएगा 3 × 5, 2 का तो 2 ही रहेगा, 3 का भी 3 रहेगा, 10 का 2 × 5। अब जो जो पेयर बन गए वो बाहर ले लेते हैं, देखो एक ये 3 का पेयर बन चुका है, एक ये 5 का पेयर बन चुका है और एक ये 2 का पेयर, 5 3 15 2 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोनों ट्रायंगल का एरिया आ चुका है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है तो ये 6√35 + 30 है ना, 30 + 6√35 मीटर स्क्वायर आंसर। अगर थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो तो 35 का रूट निकाल लेना, ठीक है 35 का रूट डिवीजन मेथड से निकालना और फिर इस 30 में ऐड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं फिर, तो ये रहा सेकंड वाला क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लेते हैं। इसमें भी एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है नेम दे देता हूँ इनको, चलो अब जो जो चीजें गिवन है अपन को वो लिख देते हैं। ए बी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैंने लिखा 3 सेंटीमीटर, बी सी है 4 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, सी डी पे लिख दिया 4 सेंटीमीटर, डी ए पे 5 सेंटीमीटर, और ये बात कर रहा है ए सी की, तो मतलब ये वाला डायगोनल होगा ए सी जो कि है 5 सेंटीमीटर। ठीक है तो एरिया निकालना है, तो पहले अपन इस ऊपर वाले ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे, फिर ए सी डी का दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी,
तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 2, ये 3 × 4 = 7, 5 = 12 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो एरिया निकालते हैं ए बी सी का, स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए, एक बार 3 माइनस करेंगे, एक बार 4, एक बार 5, है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो ये आ गया अपना 6 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये अंदर 6 का ऊपर प्राइम फैक्टर होगा वो 3 × 2 = 6 होता है, 3 का 3 रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, तो इसमें से देखो 3, ये 3 का पेयर बन गया और एक बन गया 2 का पेयर, तो 3 आ गया बाहर, 2 आ गया, मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आएगा, एरिया आ गया एबीसी ट्रायंगल का। फिर अपन दूसरे का निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, है ना, एसीडी, तो उसके लिए उसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं पहले। तो सेमी पेरीमीटर उसका आएगा 5 × 5 = 4, 5 + 5 + 4 / 2, 5 × 5 = 10, 14 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो चलो अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, तो 7 में से एक बार ये 5 माइनस, एक बार ये 5, एक बार 4, 7 × 7 - 5 × 7 - 5 × 7 - 4। ठीक है, तो चलो फिर सोल्व कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर रूट 7 × 5 = 2, 7 × 5 = 2, 7 × 4 = 3। तो ये 2 का तो पेयर बन गया, ये तो बाहर आ गया, ये इनका पेयर नहीं बना, तो ये अंदर ही रह गए और मल्टीप्लाई हो गया अंदर के अंदर 2√21 cm². ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 6 + 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा अपना, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं, अरे ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखो, राधा मेड ए पिक्चर, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं पहले। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर, एरोप्लेन की एक पिक्चर बनाई कलर पेपर से, एज शोन इन गिवन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो इसका टोटल एरिया निकालना है, जितना भी एरिया, जितना भी पेपर का एरिया यूज हुआ है इस एरोप्लेन को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग पार्ट गिवन है अपने को, ठीक है, और अलग अलग पार्ट गिवन है, उसके हिसाब से इसका अलग अलग सभी पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो वो मैं बता देता हूँ कैसे फाइंड करेंगे अपन एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले इस फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, फिर सेकंड का, फिर अपन निकालेंगे थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का। ठीक है, तो कैसे कैसे निकालेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलता हूँ और बताता हूँ, फिर आपको बिल्कुल ईजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है लेकिन अब समझ में आ जाएगा। देखो ये वाली साइड, ये वाला ट्रायंगल है आइसोसेलस ट्रायंगल, ये वाली साइड 5 है तो ये वाली साइड भी होगी 5। ठीक है, और ये 1 cm है तो ये भी होगी 1 cm। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल की तीनों साइड अपने पास है 5 5 1, एरोंस फॉर्मूला लगा देंगे, मामला खत्म। ठीक है, सेकेंड में ये अपना है रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ अपने को एक गिवन ही है 6.5 और ब्रेथ ये रही 1, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ से मामला खत्म। थर्ड वाला है ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का एरिया लगाएंगे 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड × हाइट। ठीक है, इस वाला एरिया निकाल के इस नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, फोर्थ पे देखो एक ट्रायंगल है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों ट्रायंगल सेम है, यहाँ पे ये 90 डिग्री वाला है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगी तुम्हारी हाइट जो कि है तुम्हारी 6 और ये हो जाएगा तुम्हारा बेस 1.5। तो इसका जो एरिया वो है वो निकालेंगे 1/2 × बेस × हाइट।
ठीक है। तो ऐसे करके अपन सबका एरिया निकालेंगे अलग अलग, और फिर अपन इसको क्या कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो चलो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला, इसका मैं एरिया निकालता हूँ, लिख देता हूँ एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकालो पहले, तो सेमी पेरीमीटर आएगा 5, ये भी 5 और ये 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 + 5 + 1/2, ये हो गया 5 × 5 = 10, 11, 11/2, 11/2 का मतलब 5.5 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो भाई अब आगे इसको सोल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एस मतलब 5.5। आप देखो एस में से ये वाली साइड माइनस करेंगे, फिर ये वाली साइड, फिर ये वाली साइड, है ना। तो लिखता हूँ मैं 5.5 - 5, फिर लिखता हूँ 5.5 - 5, और फिर लिखता हूँ 5.5 - 1, ठीक है। चलो तो सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो अपना है 5.5, ठीक है। अब ये देखो 5.5 में से 5 माइनस कैसे करेंगे, 5.5 में से 5 माइनस करना है तो 5.0 लिखना पड़ेगा, तो ये बचेगा तुम्हारा 0.5। कितना बचेगा, 0.5 × 0.5 × 5.5 में से 1 गया तो 4.5, ठीक है। तो जब इन सब का तुम 0 हटाओगे तो ये नीचे 10, ये नीचे 10, ये नीचे 10 और ये नीचे 10। अब पहले डायरेक्ट देख लो पेयर जिस जिसका बन रहा है वो बाहर ले लो। देखो 5 का पेयर बन रहा है ऊपर और 10 के दो पेयर नीचे बन रहे हैं, तो ये ले लिया मैंने 10 × 10 बाहर। रूट में अपना अभी क्या क्या बचा है, 55 और ये 45, तो ये हो गया अपना 5/20। रूट में 55 को लिख देंगे अपन 5 × 11, प्राइम फैक्टराइजेशन करके 45 का ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, तो वो तुम्हारा आएगा 3 × 3 × 5, ठीक है। तो यहाँ से एक 5 कॉमन और आ गया, तो ये 5/20 तो था ही, मल्टीप्लाई 5 और रूट में क्या क्या बच गया तुम्हारा 11, अच्छा एक 3 भी आ गया बाहर, है ना। तो एक 3 भी मैं बाहर लिख देता हूँ इधर, तो अपना ओनली 11 बच गया रूट में, ठीक है। अब ये 5 × 4 = 20, तो और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 15/4 है। एक बार दोबारा देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं। तो ये 5.5, ये -5 किया, ये -5 किया, ये पर माइनस हो गया, तो ये 5 तो बाहर आ गया, 55 बचा, 45 बचा, 5 × 11 = 335, तो ये 5 एक बाहर और आएगा, अरे रे रे रे, ये मैंने 20 लिख दिया, ये आएगा यहाँ पे 100, 10 × 10 कितना 100। तो नीचे का मैं सारा ही हटाता हूँ, फिर सोल्व करते हैं इसको। चलो ये भी हटा ही देता हूँ, ठीक है। हाँ तो ये था अपना 5/100, इसमें था 55 की प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 × 11 आएगा, और 45 का करेंगे तो 3 × 3 = 9, 5 = 45, ठीक है। तो ये अपना 5/100 तो था ही, मल्टीप्लाई ये 5 का पेयर और बन गया, इंटू ये 3 का पेयर बन गया, और रूट में बच गया 11। तो ये 5 × 2 = 10, 20 आया, और 5 × 4 = 20, तो ये आ गया अपना 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट का एरिया आया है, कौन से पार्ट का आया है, इस फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लिखता हूँ एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ है इसकी 6.5, ब्रेथ है 1, तो 6.5 × 1 = 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर बात करते हैं इस थर्ड की। अब ये थर्ड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये मैं आपको बाद में करवाता हूँ, पहले फोर्थ और फिफ्थ वाला बता देता हूँ। एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ वाला पार्ट क्या है, ये वाला है। तो इसमें क्या है, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस तो होगा अपना ये वाला जो कि दे रखा है 1.5, इंटू हाइट होगी ये वाली जो दे रखी है 6, है ना, आई थिंक 6 ही है, हाँ 6 है। तो ये हो गया 2 3 6 और ये 15 3 45, मतलब 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ऐसे ही एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट का भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अपना एक बच गया थर्ड वाला पार्ट, तो उसका एरिया मैं नीचे आपको करके बताता हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं वो पार्ट बना देता हूँ कैसे है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो क्या है वो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, हो जाता है तो चाप तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, और दो लाइन ले देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको बड़ा ही बनाता हूँ ना, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए अच्छे से। दोबारा ही करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो ये लिया अपन ने, बस अब इतना। तो ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तो यहाँ क्या क्यों, यहाँ क्या लिखा है 1 सेंटीमीटर, नीचे लिखा है 2 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ये लाइन मैंने बनाई है इस जबरदस्ती। ठीक है, देख लो चाहे डायग्राम कैसा है, डायग्राम ऐसा ही तो है, इस साइड नीचे ऊपर। ठीक है, इसमें एक लाइन बीच में मैंने ऐसे बना दी है। ठीक है, वो क्यों बनाई वो भी बताएंगे। ठीक है, अच्छा, तो इतना काम हो चुका है। अब देखो ध्यान से, अपने को ये ट्रपेजियम है, वैसे क्या है ट्रपेजियम, तो ट्रपेजियम के एरिया निकालने के लिए ट्रपेजियम के एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब इसमें हाइट नहीं पता अपने को, क्या नहीं पता, हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, ये जो ट्रायंगल अपना, ये वाला ट्रायंगल ये एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका एरिया अपन दो तरीके से निकालते हैं, क्या, एक तो लगाते हैं अपन √3/4a² चलो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, √3/4a² और एक साइड लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बस इससे अपनी हाइट निकल जाएगी। चलो देखते हैं कैसे निकलती है, a का मतलब होती है साइड। ठीक है, तो √3/4 वन का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस बेस कितना है इसका, बेस कितना होगा इसका, देखो ये पूरा का पूरा 1 है, ये पूरा 2 है, तो ये इधर से 1 गायब हो गया और ये 1 बचेगा। ठीक है, तो बेस 1 है इंटू हाइट। ठीक है, तो अब ये जो 2 है वो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, √3/4 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, मल्टीप्लाई हुआ सेम ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ गया विच इज इक्वल टू एच, तो ये 2 2 4, तो हाइट आ गई अपनी √3/2। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से अपन ने इसलिए निकाला ताकि अपन हाइट फाइंड कर सके। ठीक है, एक साइड में तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाया क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। ये 1 सेंटीमीटर क्यों होगी वो भी बता देता हूँ, ये लाइन और ये लाइन अपन ने पैरेलल बनाई है, तो ये पैरेललोग्राम होगा, ये वाला पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 होगी। ठीक है, फिर अगर ये 1 है तो ये इधर 1 अपने आप बच जाएगी क्योंकि टोटल कितनी है 2। ठीक है, तो ये अपन ने हाइट निकालने के लिए इतना किया है। अब अपन एरिया ऑफ ट्रपेजियम का फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रपेजियम
क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड एक तो टू है एक वन है। चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ वरना गड़बड़ करोगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच, तो ये आ गई हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब टू प्लस वन थ्री इंटू एच। एच क्या है रूट थ्री अपॉन टू, तो ये आ गया थ्री रूट थ्री अपॉन फोर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब टोटल जो एरिया है वो अपने को पता है, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट कहाँ है, ये रहा, इसका एरिया है थ्री अपॉन फोर रूट इलेवन, ठीक है। क्या है थ्री अपॉन फोर रूट इलेवन। जो सेकेंड वाला पार्ट ये कहाँ रहेगा, सेकेंड वाला पार्ट का 6.5 है और फोर्थ और फिफ्थ का 4.5 है। 6.5 सेकेंड वाले पार्ट का है 6.5, थर्ड वाले पार्ट का ये रहा और फोर्थ वाले पार्ट का था अपना 4.5 और जो फिफ्थ वाला पार्ट था उसका एरिया भी 4.5 था। तो यहाँ पे इसको तो ऐड कर सकते हैं। ये 4.5 कितना हो गया, वो 9 है ना, तो ये हो गया 9 और ये 6.15, तो अपना आंसर आया 15.5 प्लस 3 अपॉन 4 रूट 11 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 4। ज़्यादा करो तो रूट 3 की वैल्यू रखो, इसको सोल्व करो, रूट 11 की वैल्यू रखो, फिर सबको ऐड कर देना, ठीक है, या फिर इतना छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है वो देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फोर है, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों बना देता हूं मैं। ये लो ट्रायंगल और ये लो पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इनका बेस सेम है, बेस ये सेम है और एरिया भी सेम है दोनों का। तो क्या लिखते हैं अपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये अपने क्वेश्चन में भी बना है ना। इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर 26 ये है 28 और ये है 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 और जो पैरेललोग्राम का बेस है वो भी 28 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है। तो पहले अपन इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर के लिए तीनों साइड 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2, तो ये कितना आएगा 86 14 1 कैरी हो गया 36 28 84 अपॉन 2 2 4 जा 8 2 2 जा तो 42 आ गया अपना सेमी पेरीमीटर। तो एरिया निकालते हैं, एरिया आएगा अपना स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए, पहली वाली साइड माइनस कर दो, फिर ये 28 कर देंगे, फिर 30 कर देंगे, फिर 42 माइनस 28 फिर है अपनी 42 माइनस 30, ठीक है। चलो तो ये आ गया 42 में से 26 माइनस करो, यहाँ देखो 12 में 6 माइनस करेंगे 6 3 में 2 है 16 आ जाएगा, ठीक है। 42 में से 28 माइनस करो तो ये आ जाएगा सर 14 नहीं, हाँ 14 ही आएगा इंटू 42 में से 30 माइनस करेंगे तो 12, ठीक है। चलो अब इसको कर लेते हैं सोल्व। तो सोल्व करेंगे तो भाई 42 के प्राइम फैक्टर कर लेना तो ये 2 से डिवाइड होगा 21, 3 से डिवाइड होगा 7, 7 से होगा 1, तो ऐसे ही सबके प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, 16 के करेंगे तो 4 बार 2 आएगा और 14 के करेंगे तो 7 इंटू 2 आएगा, 12 के करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। अब पेयर बना लो बस, तो एक 2 का पेयर ये बन गया, एक 2 का ये बन गया, एक 2 का ये बन गया और एक 2 का ये बन गया,
फिर थ्री का भी बन गया और फिर सेवन का भी बन गया, सभी के पेयर बन गया है ना, कोई भी नहीं बचा अंदर। तो मल्टीप्लाई कर दो, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री जा 48, इंटू में करना है सेवन, एट सेवन जा 56, फाइव कैरी, सेवन फोर जा 28, फाइव 33 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर में जो भी है, ठीक है। तो ये आ गया ट्रायंगल का एरिया। तो अपने को पता है ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल दे रखा है, तो अपन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्रायंगल का एरिया है 336 और पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट। जो अपने को बेस है, बेस अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 28, ठीक है। तो बस अब हाइट निकालने के लिए अपन 28 को डिवाइड में भेज देंगे 336 के, 336 डिवाइड बाय 28। अब इसको पहले 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 4 जा 28, फिर 7 4 जा 28, तो कितना बचेगा 5 56, 7 8 जा 56, 4 1 जा 4 2 जा, तो कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर हाइट आ गई पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो आज ये 4 क्वेश्चन तक ही बहुत है, बाकी के जो 5 क्वेश्चन बच गए वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।